नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और सबसे पहले आप सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया की, ईद की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। ईटानगर को आज मिलेंगे 256 दूरसंचार टावर। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्र को समर्पित करेंगे टावर। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। अक्षय तृतीया के साथ ही आज से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की होगी शुरुआत। आज दोपहर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। भारत समेत दुनिया भर में जोशों खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। आज है विश्व पृथ्वी दिवस। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। और आईपीएल में आज होंगे दो अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। ईटानगर को आज 254 दूरसंचार टावर मिलेंगे। ईटानगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान राष्ट्र को ये टावर समर्पित करेंगे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO यानी कि इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV-C55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपरेचर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये सहायक होगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है अंतरिक्ष के लिहाज से, और हाल के वर्षों में हमने देखा है कि भारत लगातार अंतरिक्ष में न सिर्फ अपने देश के उपग्रह छोड़ता है बल्कि विभिन्न देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम भी भारत की ओर से किया जाता है। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर के एक उपग्रह टेलियोस 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा भारत के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा,
और 750 किलोग्राम का ये उपग्रह है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये जो लॉन्चिंग है आज की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीहरिकोटा से, उनसे बातचीत करेंगे। रितेश, हमारे दर्शकों को बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज का ये लॉन्च। सर, ये तीसरा बड़ा लॉन्च होगा अभी जो होने जा रहा है, C-55 PSLV, और काफ़ी आशाएं जुड़ी हुई हैं इसको लेकर के। और ये अभी जो कमर्शियल व्हीकल जो हमारा लॉन्च होने वाला है वो सिंगापुर के सैटेलाइट्स होंगे जिनको लॉन्च किया जाएगा। और इससे एक बात तो समझ में आती है कि अभी फ़िलहाल जो ये लॉन्च किया जा रहा है, इससे अपने आप को हम एक कदम और आगे रख रहे हैं और भारत एक अपने आप को मजबूती से रखेगा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इस प्रयोग के बाद। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को, वैज्ञानिकों को भी इसके प्रशिक्षण के प्रक्षेपण के बाद। एक आज कहा जा रहा है कि संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा और वहाँ हम लोगों से बातचीत की जाएगी। तो देखना होगा कि अभी जो लॉन्च होता है सक्सेसफुल लॉन्च के बाद और आगे की क्या इसरो और क्या आगे अपने पिटारे में रखा हुआ और क्या हमें बताने जा रहा है, ये इसकी जानकारी हमें मिलेगी। रितेश, जिस तरह से हमने देखा है कि हाल के वर्षों में जो कॉमर्शियल लॉन्चिंग है वो काफ़ी बड़ी है इसरो की ओर से, जो दूसरे देशों के जो सैटेलाइट हैं इसरो लगातार उनको अंतरिक्ष में भेजता है। आज एक और नया पड़ाव इसमें जुड़ जाएगा। क्या कुछ आप कहेंगे ये कॉमर्शियल लॉन्चिंग में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बड़े देशों में शुमार हो गया है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कमर्शियल लॉन्चिंग जो अभी हो रही है, अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हुआ है, और हमें अपने आप को विश्वगुरु साबित करना है। तो कई मायनों में हम आगे जा रहे हैं। अभी एक अंतरिक्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी अब हम अपने आप को सही सफल साबित कर रहे हैं और ये तीसरा बड़ा लॉन्च होने वाला है। और कई ऐसी चीजें हमने पहले भी की हुई हैं, आज भी जो होगी और आने वाले दिनों में जो प्रयोग हो रहे हैं और जो होंगे, उससे यह साबित हो जाएगा कि भारत में हर वो क्षमता है खुद को विश्वगुरु साबित करने की। शुक्रिया, शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अभी तो हम लोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र के, लेकिन हम लोग कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, शुक्रिया आपका रितेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुयाना दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैरिबियाई समुदाय के महासचिव कार्ला नताली बार्नेट के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच पारंपरिक और साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों में भारत कैरिकॉम संबंधों को तेज करने के लिए विचारों का आदान प्रदान हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबेको के विदेश मंत्री डॉक्टर अमेरी ब्राउन से भी मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात की गई और बहुपक्षीय मंचों पर अपना सहयोग जारी रखेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बारबाडोस के विदेश मंत्री कैरी साइमंड से मिलकर खुशी जाहिर की और अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। गौरतलब है कि इससे पहले जयशंकर ने गुयाना में सूरीनाम के समकक्ष एल्बर्ट रामदीन के साथ भी बैठक की और दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। जयशंकर देश के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गुयाना पहुंचे थे। सूडान में ईद उल फित्र पर संघर्ष विराम रखने के आह्वान के बावजूद राजधानी खार्तूम की सड़कों पर संघर्ष जारी है। संघर्ष में शामिल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने कहा है कि वो 3 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे, लेकिन ईद के पहले दिन बमबारी, गोलाबारी और बंदूक से हमले जारी रहे। संघर्ष के कारण खार्तूम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी भी बंद है।
यूरोपीय संघ ने कहा है कि वहां से यूरोपीय नागरिकों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। ब्रिटेन के समाचार चैनल के अनुसार ब्रिटेन ने सूडान से अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों को निकालने के लिए विदेश में एक हवाई अड्डे पर सैनिकों और विमानों को तैयार रखा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सूडानी सेनाध्यक्ष जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो से बात की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल के बीच पिछले सप्ताह से चल रहे संघर्ष में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोगों को देश से बाहर भागना पड़ा है। कनाडा सरकार ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए फिर से सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। 39 मिलियन कनाडाई डॉलर की घोषणा में 40 स्नाइपर राइफलें, 16 रेडियो सेट और रूस के खिलाफ युद्ध में कीव की मदद करने के लिए नाटो कोष में दान शामिल है। कनाडा की ओर से दी गई सहायता में राइफलों के लिए गोला बारूद भी शामिल है। इस सैन्य सहायता की घोषणा रक्षा मंत्री अनिता आनंद ने जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस में की, जहां नाटो के रक्षा अधिकारी यूक्रेन के लिए सैन्य आपूर्ति पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हर एक संघीय एजेंसी को सभी के लिए पर्यावरण न्याय की दिशा में काम करने और जहरीले प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों के जीवन में सुधार करने का निर्देश दिया। आदेश व्हाइट हाउस के भीतर सरकार के प्रयासों को समन्वित करने के लिए पर्यावरण न्याय का एक नया कार्यालय स्थापित करेगा। फरवरी में पूर्वी फिलिस्तीन ओहायो में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने पर खतरनाक रासायनिक फैलाव हुआ। इस आपदा ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। जो बाइडन ने कहा कि यह आदेश वर्षों की नीतियों को उलटने का काम करेगा, जिसमें भेदभावपूर्ण आवासीय रेड लाइनिंग शामिल है, जो काले और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को चोट पहुंचाती है। ओलिवर डाउडेन को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डाउडेन ने डोमिनिक रॉब की जगह ली, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। डाउडेन वर्तमान में ऋषि सुनक की सरकार में कैबिनेट कार्यालय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले डराने धमकाने की औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक रॉब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डोमिनिक रॉब ने जांच में सबूत मिलने पर त्यागपत्र देने की बात कही थी। अक्टूबर में ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से रॉब अपने व्यक्तिगत आचरण को लेकर कैबिनेट से बाहर होने वाले तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं। आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो प्रधानमंत्री की ओर से भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी गई हैं देशवासियों को। लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पे क्या कुछ लिखा है। और आपको बता दें कि देश की तमाम नदियों में आज स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में आज के दिन को माना जाता है अक्षय तृतीया का दिन। आज का दिन सोना खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। पूरे देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम की इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं।
परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। और इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। तो भगवान श्री परशुराम के प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। वो ट्वीट अभी हमने आपको दिखाया। उन्होंने लिखा है कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। और आज भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के अवसर पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पवित्र रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को कल अलविदा नमाज अता की गई। ईद की पूर्व संध्या पर लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई थी। और प्रधानमंत्री ने ईद उल फितर के मौके पर ट्वीट किया है। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ईद उल फितर की बधाई, हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना और मजबूत हो। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करता हूं। और आइए जामा मस्जिद चलते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता धीरज मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। धीरज, आज का दिन ईद का दिन है और खासकर बच्चों के लिए ये काफी एक ऐसा त्यौहार होता है, खरीदारी करते हैं एक दिन पहले से लोग और काफी खुशी होती है। आज के दिन का लंबे समय से इंतजार होता है बच्चों को और ईद मानने वालों को। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह से आज ईद मनाई जा रही है? बिल्कुल, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज ईद का पर्व यहाँ पे जमा मस्जिद पे मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे न केवल स्थानीय लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, बल्कि जो दिल्ली और NCR या कहें कि दूर दराज के इलाके के लोग भी यहाँ तक पहुँचते हैं। और आज जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि सुबह के 6:30 बजे जो है वो ईद की जो नमाज़ है वो यहाँ अता की गई है। और इसके बाद आप यहाँ का बिल्कुल नज़ारा देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे खुशियों का माहौल है। जैसा कि आपने ईद के बारे में पूछा, तो ईद का मतलब ही होता है खुशी, और ख़ास करके बच्चों के लिए ये खुशी का ये त्यौहार है और बड़ों के लिए ये मोहब्बत का पैगाम है। सुबह सुबह यहाँ नमाज अता हुई है, इसके बाद लोग ईद की सेवैयाँ लेकर एक दूसरे के घर पहुँच रहे हैं और भाईचारे का और मोहब्बत का पैगाम जो है वो बाँट रहे हैं। और जहाँ तक आपने बच्चों की बात करी, तो अभी हमारे साथ दो बच्चियाँ हैं जो कि बताएंगे कि उनके लिए ईद का क्या मतलब है, वो इस ईद के बारे में क्या समझती हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। ईद के बारे में आप क्या समझते हो? ईद बहुत खुशियों का त्यौहार होता है। ईद पे हम अपने आस पड़ोसों से खुशियां बांटते हैं ईद मुबारक बोलकर, और एक दूसरे को खाना बांटते हैं और बहुत मजे करते हैं। सब हमें सारे बड़े मिलकर ईदी देते हैं और बहुत खुशियां बांटते हैं। सब एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। और फिर सारे बच्चे झूले झूलने जाते हैं। झूले झूलने के बाद सब अपनी दादी के घर पर आकर शीर कोरमा खाते हैं। ईद बच्चों के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है। बच्चों बहुत खुशियाँ बांटते हैं ईद के दिन।
तो जैसा कि चंद्रशेखर जी आपने सुना कि ये छोटी बच्ची है, वो ईद के महत्व को बता रही है कि कैसे उसे आज ईदी मिली है, उसके लिए आज खुशी का दिन है। इसके बाद ये सवैयाँ लेकर अपने पड़ोस के घर में, अपने दोस्त के घर जाएगी, अपने दादी के पास भी जाएगी, उसको भी ईद की मुबारकबाद देगी और जो खुशियों का जो एक तोहफा होता है उस खुशियों का तोहफा बांटेगी। जी धीरज, आपके साथ कुछ वहाँ पर बड़े लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानिए कि मोहब्बत का जो पैगाम है आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए ये पर्व कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। देखिए, जो मोहब्बत का जो पैगाम है, भाईचारे का जो पैगाम है, उसके उस लिहाज से अगर देखें तो ईद का क्या महत्व है। देखें, कोई भी त्यौहार, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, और कोई भी त्यौहार आपसी भाईचारा और सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। और ख़ासकर जो हमारा हिंदुस्तान की जो तहजीब रही है, तमाम मजहब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं, और ऐसा कोई मुल्क नहीं है पूरे विश्व में कि जहाँ ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तो ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, और तमाम और क्रिसमस भी मनाया जाता है। तो ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर कोई भी मुल्क उठाकर देखें तो कहीं अगर ईद का सेलिब्रेशन है तो कहीं सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस का सेलिब्रेशन, लेकिन ये हिंदुस्तान ही सिर्फ एक और सिर्फ ऐसा मुल्क है कि जहां तमाम दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं वो तमाम जो त्यौहार हैं वो यहां सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ईद का जो मकसद है वो सही मायनों में तो ये है ना, वो ये है कि आपस में मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। और खासकर हम लोगों ने जो यहाँ ईद की नमाज हुई, ईद की नमाज के बाद जिस वक्त हम लोगों ने दुआ मांगी अपने अखंड भारत के लिए, भारत की एकता के लिए और भाईचारे के लिए और देश की तरक्की के लिए और उन्नति के लिए, हम लोगों ने यहाँ दुआएं मांगी। और ये जो अब जो बीमारी एक चल रही है और इससे कि इससे अल्लाह ताला हम सबको और हमारे तमाम देशवासियों को, भारतवासियों को और पूरे विश्व के हर एक प्राणी को इससे 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 हिफाजत मिले और सबकी हिफाजत हो, क्योंकि ये हमारा ये मेरा प्यारा भारत ही है जो वसुधैव कुटुंबकम, तो वो यहाँ के त्योहारों में आपको पूरी तरह नजर आएगा वसुधैव कुटुंबकम वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत में ही नजर आएगी। और दुआ मैं करता हूँ उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से और उस रब से कि मेरा भारत विश्व गुरु बने और बहुत महान हो। और जिस तरह का यहाँ नेतृत्व है और मेरे जो वज़ीर आज़म हैं उसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कि ये मुल्क बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगा और विश्व पटल पर आकर ये तमाम पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी क्षमता इस देश में है। ठीक है, शुक्रिया धीरज। दरअसल वक्त कम है इस बुलेटिन में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब खूबसूरत तस्वीरें और ये खूबसूरत जो हिंदुस्तान की पहचान है आपसी सौहार्द की, उसको हमारे दर्शकों तक लाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि इस महामारी में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। आइए आपको दिखाते हैं।
क्या आपको पता है इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।